हुए ट्रिपल आर स्टार एनटीआर शर्मिंदा। क्या फूफा बने ट्रिपल आर के रिलीज को टालने का कारण? अखंडा की मुसीबत कैसे खत्म हुई? साउथ फिल्म स्टार नंदामुरी बालकृष्ण अपनी फिल्मों, एक्टिंग से लेकर अपने बयानों तक से ही विवादों में बने रहते हैं। वो कई बार अपने बयानों से लोगों का ध्यान खींच चुके हैं। इस बार नंदामुरी बालकृष्ण ने कुछ ऐसा कह दिया कि उनके भतीजे जो ट्रिपल आर में नजर आने वाले हैं, जूनियर एनटीआर के लिए भी मुंह छुपाना भारी पड़ गया है। हाल ही में टॉलीवुड फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर के चाचा और एक्टर नंदामुरी बालकृष्ण ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि सोशल मीडिया पर तूफान उठ खड़ा हुआ है। बता दें, नंदामुरी बालकृष्ण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें नंदामुरी बालकृष्ण ऑस्कर विनर भारतीय संगीतकार एआर रहमान को ही पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की तुलना अपने पिता एनटी रामाराव की चप्पल से कर डाली है। नंदामुरी रामाराव ने एआर रहमान को पहचानने से इनकार करते हुए कहा, एआर रहमान ने ही नंदमुरी बालकृष्ण की 1993 में रिलीज हुई फिल्म नीपू रवा में संगीत दिया था। फिर भी उनको नहीं पता कि एआर रहमान कौन है। इसके आगे बोलते हुए, नंदमुरी बालकृष्ण ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इच्छी वाले गौरव गौरव हालांकि उनके भतीजे जूनियर एनटीआर के जैसा स्टारडम वो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अब ट्रिपल आर का क्लैश सलमान खान के टाइगर 3 से हो रहा है। क्या शर्मिंदा एनटीआर ही थे वजह फिल्म को आगे खिसकाने की? आपको इस बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत।